बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जेटिक्स जो है वो काफ़ी इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसका एक पार्ट जो है वो 11th में आता है, AS में आता है, और दूसरा पार्ट जो है वो A2 में आता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एनर्जेटिक्स के बारे में बात करते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं आपको बेसिकली एनर्जेटिक्स के बारे में। देखें, जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। एक आपके पास जो होंगे वो एक्सोथर्मिक होंगे, एंड द सेकेंड वन विल बी एंडोथर्मिक। मैं बहुत माजरत करता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ठीक है ना। अब एक्सोथर्मिक में बेसिकली क्या होगा कि देखें, एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो है ना, इट इज गिवन आउट, एनर्जी इज गिवन आउट, एंड इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, एक्सोथर्मिक एग्जांपल्स की है, एग्जांपल्स रिस्पायरेशन है फो एंड कंबस्टन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की क्या एग्जांपल दे सकते हैं आप? हम दे सकते हैं फोटोसिंथेसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक हो गया। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात थी। अगली बात जो है वो हम ये कर कहते हैं कि देखिए, द एनर्जी चेंज बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सराउंडिंग्स एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज की अगर मैं डेफिनेशन आपको कहूँ कि लिखें, एंथैल्पी चेंज की, तो एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन क्या है इसके विकास के, द एनर्जी चेंज बिटवीन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट्स सराउंडिंग। Surroundings at constant pressure pressure and temperature। तो ये एंथैल्पी चेंज है। एंड व्हाट इज द एंड व्हाट इज अब अगर मैं पूछूं कि एंथैल्पी क्या है, तो जो एंथैल्पी है, इट इज अ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मटेरियल्स दैट रिएक्ट। ये नोट्स में लिखा हुआ है सारा कुछ। एंथैल्पी की जो साइन होता है वो होता है डेल्टा एच, तो डेल्टा एच होता है, ठीक है। अब देखें, बात यह है ना कि एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एंथैल्पी चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। एंड व्हेन कैन वी मेजर इट? व्हेन हीट इज एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। इसके लिए जो है वो हम रिएक्शन पाथवे डायग्राम्स बनाते हैं, या एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी जिनको कहते हैं, तो वो देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बनाऊँ, अच्छा, ये बेसिकली ये जितनी भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ये चीज़ है ना, ये तो आपने की हुई है ऑलरेडी, इतना उसमें ओ लेवल्स में की हुई है ना। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक की। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एक्सोथर्मिक में लिखें कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बताता हूँ अभी। एंड डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे होता है? इसका ग्राफ जो होता है वो ये, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है। आप देख सकते हैं जी, ये आप देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स से, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स कम है।
एक्टिवेशन एनर्जी भी शो हो गई है और डेल्टा एच देखें नेगेटिव है नीचे की तरफ आ रही है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अगर हम एंडोथर्मिक में ये होता है कि देखें एनर्जी ऑफ रिएक्टर्स इज लेस देन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो है वो एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक का ग्राफ अगर मैं आपको दिखाना हूँ दिखाता हूँ तो देखें कि वो ये है जी। ठीक है, तो ये जो है ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। ठीक हो गया, इसके बाद आपको समझ आएगी। अब इसके लिए जो है ना वो हम एक टेबल मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो कि ये नीचे है। ठीक है, अब देखें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेसिक डिफरेंसेस अगर हमें एक टेबल में मैं जो है ना वो उसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाती है इसको याद करना। देखें एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ रिएक्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, एंड एंडोथर्मिक में एनर्जी इज अब्सॉर्ब। इफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इन सराउंडिंग इज एक्सोथर्मिक में इंक्रीज हो जाएगा, एंडोथर्मिक में डिक्रीज हो जाएगा। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इन एक्सोथर्मिक इट इज ग्रेटर, इन एंडोथर्मिक इट इज लेसर। इन एक्सोथर्मिक द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेसर, इन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज प्रोडक्ट इज ग्रेटर। Enthalpy change in exothermic it is negative and in endothermic it is positive. More energy is involved in bond formation and bond formation is exothermic and bond breaking is endothermic. Reaction is mostly spontaneous. देखें दो किस्म के reactions होते हैं, spontaneous and non-spontaneous. ये हम करेंगे A2 में। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं और एंडोथर्मिक नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। फिर इसकी जो है वो एग्जांपल्स आ जाती हैं, तो एक्सोथर्मिक में जो इनकी एग्जांपल्स हैं वो है कंबस्टन आ गई, रेस्पिरेशन आ गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, चेंज इन स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड आ गया, रस्टिंग हो गई, फर्मेंटेशन, हेबर एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस। और एंडोथर्मिक में जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, क्रैकिंग, सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, सॉलिड से लिक्विड या और लिक्विड से गैस जाए तो ये एंडोथर्मिक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है वो टेबल आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। ठीक है।